नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी दोस्तों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पर मैं आपका दोस्त आदर्श भट्ट स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप आज यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का पार्ट 7 देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 6 में कुछ क्वेश्चंस और कुछ डिफिनेशन बताई गई थी और कुछ नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर दिए गए थे। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने। यदि ए की वैल्यू ये है एंड बी की वैल्यू ये है तो फाइंड हमें करना है ए और बी ये फाइंड करना है, उसके बाद इसका हमें डैश। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए आप। इसमें हम ए और बी की वैल्यू ये पुट कर लेंगे। देखिए प्रश्न में दिया गया है ए और बी की वैल्यू, हमने लिख ली वैसे ही एज इट इज़। देन वी फाइंड ए बी का होल डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे जानते हैं कि ए और बी को दोनों साथ में लिख लें, तो ये ए लिख लिया, ये बी लिख लिया, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ये देखिए इसमें हम ए बी लिख दिखा रहे हैं, मतलब ए इंटू बी करना है। ए प्लस बी इस तरह रहेगा तो इसका मतलब हमें ऐड करना है, ए माइनस बी रहेगा इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम ए इंटू बी करना है, हमें ए बी करना है, तो हम क्या करेंगे ये देखें। ए बी की वैल्यू ए इंटू बी, ये आपको बताया है जैसे पहले वाली वीडियो में, आप यदि नहीं देखे हैं तो देखिए, उसमें एक एक चीज़ें सब सही से बताई गई हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो फ्रेंड्स इसको कहते हैं और कॉलम इसको कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो देखिए हमने लिखा है ए वन वन, मतलब फर्स्ट ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकंड, ये जो ये लिखा हुआ है ये कॉलम होता है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह फ्रेंड्स ये ए वन टू, ये मतलब रो, ये पहला जो लिखा रहेगा ये रो ये कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देन फ्रेंड्स ए टू वन क्या होता है ये समझिए, ए टू वन तो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का मतलब ये, फर्स्ट कॉलम का मतलब ये, हमें ये निकालना है। ठीक है, इस तरह हम लोग निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो मतलब ये हो गया और फर्स्ट कॉलम मतलब ये, हमें इस तरह ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, तो टू फर्स्ट फर्स्ट रो आप देखिए क्या है, ये फर्स्ट रो है और सेकंड का क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो क्या करेंगे, टू से थ्री को, टू थ्री ज़ा सिक्स और थ्री टू ज़ा सिक्स, प्लस कर देंगे ऐड का साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोर टू, टू फोर ज़ा एट और थ्री वन ज़ा थ्री, ये आपका आ गया फ्रेंड्स। देन ज़ीरो थ्री ज़ा ज़ीरो, वन टू ज़ा टू, फिर क्या करेंगे, ज़ीरो फोर ज़ा ज़ीरो और वन वन ज़ा वन, ये आपका इतना आ गया। अब इसको हम जिस तरह एज इट इज़ नोट कर लेंगे, सिक्स सिक्स ट्वेल्व, एट थ्री इलेवन, ज़ीरो प्लस टू टू और ये ज़ीरो प्लस वन वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या कहा गया था कि ए बी निकालिए, उसके बाद हमें ए बी का डैश निकालना है। डैश का मतलब हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है और यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाकर, उसमें सब समझाया गया है, फिर भी हम थोड़ा समझा देते हैं कि डैश का मतलब हो जाता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो, रो इसको कहते हैं फ्रेंड्स और कॉलम इसको, जो आप देखते होंगे पिलर घर बनते समय, जिस समय जो पिलर बन रहे हैं उनको हम कॉलम, और रो जो इस तरह हो, ठीक है कॉलम इस तरह, आप हिंदी में इसको कॉलम को स्तंभ और इसको पंक्ति रो को कहते हैं। ठीक है, हाँ तो बात हुई कि हमें डैश निकालना है ए बी का डैश, तो ए बी का डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये ट्वेल्व है इलेवन है ये रो है ट्वेल्व इलेवन का, तो हमें ट्वेल्व लिखा और इलेवन लिख लिया, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब टू और वन ये एक रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, टू और वन, यही आपका देखिए फ्रेंड्स
कॉलम रो कॉलम में कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया है, देख लीजिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 12 2 11 1, 12 2 11 1, ये फ्रंट देखिए आपका ऑप्शन बी इज राइट। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी हमें ए इंटू ए करना है। देखिए ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ए स्क्वायर यदि हम निकालते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर डैश। ये आप वीडियो को पॉज करिए और अपने मन से आप लगाने का प्रयत्न करें, ठीक है, हम बताते हैं। यदि नहीं आता है फिर इसमें देखिएगा। ए ये हुए, हमने हमें क्या करना है देखिए, सॉल्यूशन देखिए, प्रश्न में ये ए दिया हुआ है, हमें निकालना है ए स्क्वायर का डैश। तो हम क्या करें ए इंटू ए कर लें उसके बाद इसका डैश कर लें, ठीक है। तो ए इंटू ए कैसे करेंगे वही हमने आपको अभी बताया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह करेंगे आप। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 को 2 से, 3 को 5 से, इसी तरह करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 3 5 ज़ा 15, ये देखिए आ गया। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 3 ज़ा 6 और ये 3 7 ज़ा 21, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 ज़ा 10 और 7 5 ज़ा 35, माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस का है 7। फिर क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 3 ज़ा 15, 7 7 ज़ा 49, ये आपका माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस का। अब हम इसको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, जैसे मतलब 15 प्लस 4 आपका 19, ये 6 माइनस, जैसे ही हमने इसको नोट आउट कर लिया। देन क्या होगा, ए स्क्वायर हमारा ये निकल आया फ्रेंड्स, हमें ए स्क्वायर का डैश निकालना था। इसके लिए हमने आपको बताया रो को कॉलम और कॉलम को रो, जो इस तरह है कॉलम में कन्वर्ट करना है, और जो कॉलम है इनको इस तरह, और जो कॉलम है उनको हमें इस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो कैसे देखिए, 19 19 तो एज इट इज़ ऐसे नोट कर लिया, 15 है ये 15 हमने नीचे किया, 25 यहाँ पर नोट कर दिया, और ये 64 यहीं पर, ठीक है। मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। देन फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, 19 माइनस 25 माइनस 15 और 64 माइनस क्या है, 19 माइनस 25, 19 माइनस 25 फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए इज़ राइट है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं आपके, इसमें थोड़ा फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना सिखाया जाएगा। जैसे ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये ए प्लस बी की वैल्यू हमें दिया हुआ है और कह रहा है हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। देन हम अपने अब सॉल्यूशन पर चलते हैं, दिया है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, ए प्लस बी की वैल्यू ये है, ये प्रश्न में दिया है। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए ए और बी की वैल्यू ये है जो हमें दिया हुआ है अलग अलग, उसको हम ए प्लस बी पहले कर लेते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी कैसे करते हैं, एडिशन में आपको सिखाया है इससे पहली वाली वीडियो में भी, जो है वो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 1 और 3 इसको ऐड करेंगे, 2 5 ये ऐड करेंगे, 5 प्लस x 6 माइनस 4, ये आपका एडिशन कर लेंगे, कैसे होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7, ये 5 प्लस x, ये 6 माइनस 4 मतलब 2, ठीक है। अब एक हमें ए प्लस बी हमने ये निकाल लिया है जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक हमें दिया हुआ है, आप देखेंगे कि क्वेश्चन में एक हमें वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी की, ये जो है ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ए प्लस बी की वैल्यू, और एक हम लोगों
दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना कर देंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, लिखेंगे आप कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन मतलब तुलना करेंगे, तो हमें ये वैल्यू दी हुई है जो प्रश्न में दिया हुआ था ए प्लस बी, और जो हमने निकाली है उसको हमने यहाँ नोट कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होगा अब इसका कंपैरिजन, हमें देखिए हमने आपको बताया है जैसे ऐड करते हैं इसी तरह ऐड करते हैं इसी तरह, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्ट हम इससे करते हैं सिक्स इसी पर जाएगा, तो सिक्स लिख लिया इधर, इधर फाइव प्लस एक्स लिख लिया, ठीक है। ये सिक्स है माइनस फाइव, फाइव इधर आ गया माइनस हो गया, इधर एक्स बचा, अब यहाँ पर वन हो जाएगा एक्स, तो हम क्या कहेंगे एक्स इक्वल वन, ये आपका आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होगा बी इज़ राइट, ठीक है। इसी तरह आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में दिया होगा उसी में आपको ऑप्शन कर टिक करना होगा, चार नंबर का एक क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, जो कोई इस तरह सॉल्व आप करेंगे और थोड़ा स्पीड में करके आपको आंसर को टिक करना होगा। देन फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप समझिएगा थोड़ा, हमने टेलीग्राम पे आपके ये नोट्स थोड़ा प्रोवाइड करवाया है वो आप देख लीजिए, उसमें सब डिफिनेशन दिया हुआ है, ए की वैल्यू फ्रेंड्स हमें ये दिया हुआ है, और हमें क्या कह रहा है कि इनमें से क्या चीज़ सही है, जैसे हमें एक वैल्यू पकड़ा दिया गया है और कह दिया गया है इसमें क्या सही है, तो हम कैसे जाने कि ए डैश, हमने आपको बता दिया है ए ये दिया दिया है डैश निकालना है, तो हमें क्या करना रहेगा कि रो को कॉलम इस तरह कन्वर्ट करना होगा, जैसे ये 0 1, ये 0 1 माइनस टू है, माइनस टू है, तो हमें क्या करना है 0 1 माइनस टू इस तरह लिखना है, माइनस 1 0 5 है, तो हमें क्या करना है माइनस 1 0 5 इस तरह, क्या है 2 माइनस 5 और 0 है, तो क्या है 2 माइनस 5 0 इस तरह हमारा ए डैश आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा, ठीक है। तो ए डैश और ए देखिए बिल्कुल सेम नहीं हो रहे हैं, फिर हमें निकालना है ए डैश इसका निकालेंगे जो अभी निकाला था हमने, रो कॉलम, कॉलम को रो, और इक्वल टू माइनस कर देते हैं सामने, तो देखते हैं ये सेम आ जाता है, बस इसी को कह दीजिए कि राइट है। इसका सॉल्यूशन हमने आपको करके दिखाया है, देख लीजिए दिया हुआ है कि ए की वैल्यू ये है, ठीक है फ्रेंड्स, और ए डैश हमें निकालना था, तो हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होता है हमसे, ये देखिए ऑप्शन में बी दिया हुआ है ये कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने देखा कि ए डैश ये है और माइनस ए, माइनस ए के लिए हम आपको बता दें माइनस ए कैसे करते हैं, समझ लीजिए आप माइनस ए कैसे करते हैं, ये ए है, ये इसको माइनस ए में कैसे कन्वर्ट हुआ है, 0 है, जो माइनस है उसको प्लस और जो प्लस है उसको माइनस करने पर हमें क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस ए हमें मिल जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे जिसमें माइनस लगा हो वहाँ पर प्लस हो गया होगा और जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस कर दिया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखा कि ए डैश और माइनस ए दोनों इक्वल हैं, देखिए हमने लिख दिया है दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड सही होता है, आपका ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़ा समझिए और अपने मन से लगाने का प्रयत्न करिए, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दिया जाएगा वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, उस पर नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जो उस पर जिस पर वीडियो नहीं बन पाती है उसको हम लोग उस पर प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि नोट्स आपको बनाना ना पड़े और अपना अच्छे से अच्छे